हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोगों की तरफ से एक सीरीज़ दी जा रही है जिसमें क्वेश्चन बैंक की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की होगी, 10th क्लास और 12th क्लास होगी, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो एमपी बोर्ड में पूछे जाने हैं वो सारे कवर कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे हम कवर करा देंगे आपको। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि आप जितनी बार देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एग्ज़ाम में यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। एक और हमने सीरीज़ दे करके रखी है परीक्षा बोर्ड की, तो वो भी आप देख लेना, उसमें भी सारे हमने ऑब्जेक्टिव ही दे करके रखे हुए हैं। वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसके पहले, तो अब आपको क्या करना है, देख तो सभी लोग रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं सब लोग, आपको इसको शेयर भी करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे कि क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगेगा और ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ऐसी मिल पाएंगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 40% जो है हमारा वो अब ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो सोशल साइंस में 32 मार्क्स का आएगा। जो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं उनमें 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और जो 70 मार्क्स का है उसमें हमारा 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हैं। जिसमें 80 मार्क्स का पेपर है उसमें पासिंग मार्क्स के लिए हमारे 28 नंबर होते हैं और जो 70 मार्क्स का है उसमें हमारे 22 होते हैं। तो आप इन्हीं ऑब्जेक्टिवों में से पास हो सकते हो, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो लोग टॉपर्स हैं उनको भी, क्योंकि एक आध ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है तो नंबर ज़्यादा, मतलब वो उसमें पूरे में से पूरे कट जाते हैं। मान लो 2 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए तो 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। इसके पहले जितने भी सोशल वो हमने मतलब क्वेश्चन बैंक वगैरह और ये दे करके रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है समकालीन भारत, 2 का भूगोल का संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर में से हमारे 2 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, तो इनमें से अजैव संसाधन कौन सा है, चट्टान है। दूसरा है हमारा, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो ये किसके लिए होती है, कपास के लिए। तीसरा है हमारा, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, तो कितने पर होना चाहिए, 33% पे। उसके बाद में फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, तो किस में की जाती है, उत्तराखंड में। पांचवा हमारा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, पुनापूर्ति योग्य। छठवा हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो इनमें से किसका है, खनिज तेल का। सातवां क्वेश्चन है हमारा, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो किस कमीशन ने की थी, बुंडलैंड कमीशन ने की थी। नेक्स्ट हमारा आठवां, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान राज्य में पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान। तो जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जब मैं पढ़ता हूँ तो आपको खुद से ही एक एक बार बोलते जाना है उनके आंसर, जिससे कि क्या होगा, जब जैसे आप क्लास में भी करते होगे कि कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है आप उसके आंसर देते हो तो जल्दी जल्दी याद होते जाता है। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से यूज़ करना है कि मेरे आंसर बोलने से पहले आपको बोलते जाना है। मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप होते जाए जिससे कि आप उस टाइम में बोल सको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान का, लोह अयस्क के प्रकार संसाधन है, तो लोह अयस्क किस प्रकार का है, अजैव संसाधन है। नेक्स्ट है हमारा, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उस भूमि को कहते हैं, तो उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। तीसरा हमारा, काली मृदा को मृदा भी कहते हैं, तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 50% हिस्से पर ही खेती की जाती है, तो कितने प्रतिशत पर की जाती है, लगभग 54% भाग पर ही की जाती है। पांचवा है, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र है, तो ये कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। ये हमारे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स थे। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी, तो पहली सही जोड़ी हमारा विकासशील देश, तो विकासशील देश हमारा कौन सा है, भारत। विकसित देश, तो विकसित देश हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट हमारा तीसरा लद्दाख, तो लद्दाख हमारा क्या है, एक शीत मरुस्थल है। चौथा हमारा राजस्थान, तो राजस्थान का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थार का मरुस्थल। पांचवा हमारा लावा के प्रभाव से निर्मित, तो इससे क्या बनता है, दक्कन ट्रैम्प। उसके बाद में हमारा सत्य असत, तो पहला हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर भूमि कहा जाता है, तो ये हमारा कैसा, सत्य है। दूसरा है हमारा लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है।
चौथा हमारा, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो ये सत्य है। पांचवा क्वेश्चन है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो ये हमारा असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये हमारा कितना है, भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल है। सेकंड है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो। तीसरा हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के रियो डी जेरोरा में। नेक्स्ट हमारा चौथा, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो कितना प्रतिशत है, 27%। पाँचवा हमारा, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, लाल भूरा। उसके बाद में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये दो दो मार्क्स के, और दो दो तीन तीन और चार चार मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको करना है। आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इनके आंसर आपको सर्च करना है, लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम ये आपको बता देंगे। और बहरहाल ये सारे क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सेकेंड हमारा, वन एवं वन जीव संसाधन, तो इसमें पहला हमारा क्या है, प्रकृति सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्थानिक जातियां। दूसरा है हमारा, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, तो ये किस में किया गया था, ओडिशा में। नेक्स्ट हमारा चौथा, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है, स्थानांतरित खेती के लिए, जैसे स्थानांतरित खेती के लिए भूमि की ज़रूरत होती है तो वनों को काट दिया जाता है। पांचवा हमारा, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा, हिमालयन यव एक पौधा है, तो ये कैसा है, हमारा एक औषधि पौधा है जो हमारा मेडिसिन में यूज़ होता है। दूसरा हमारा, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो ये कितने प्रतिशत है, 12.2% सघन वन क्षेत्र है। तीसरा हमारा, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ और कंदब के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो किस किस के करती हैं, महुआ और कंदब के पेड़ों की पूजा करती हैं। चौथा हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, तो ये कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में यानी MP में स्थित है। पांचवा हमारा, पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, तो ये कौन सा है हमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है हमारा, वो हमारा मतलब खनन के कारण कैसा है, खतरे में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी सही जोड़ी, तो पहली हमारी सही जोड़ी क्या है, काला हिरण, तो काला हिरण हमारा कैसा है, संकटग्रस्त है, खत्म होने की कगार पे। दूसरा हमारा, एशियाई हाथी, तो ये हमारा क्या है, सुमेध, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा, अंडमान जंगली सुअर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्थानिक है ये, अंडमान जंगली सुअर केवल वहीं पर पाया जाता है। हिमालय भूरा भालू, तो जो हिमालय का हमारा भूरा भालू है ये हमारा दुर्लभ हो गया है। नेक्स्ट है गुलाबी सिर वाली बतख, तो ये हमारी क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है, अब गुलाबी सिर वाली बतख नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है उसके बाद में सत्तासत, तो इसमें पहला क्या है, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो ये भी हमारा सत्य है। चौथा हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। पाँचवा हमारा, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है, तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद मैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा स्पीडली आपको पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और ये रिवीजन के हिसाब से, आप अपने हिसाब से, अगर आपको स्लो लग रही है तो थोड़ा सा फास्ट कर लेना वीडियो को, और अगर फास्ट लग रही है तो स्लो कर लेना, जैसे 0.8x में, 0.9x, या फिर 1.1x या 1.2x, ऐसा करके देख लेना। पहला क्वेश्चन है इसका, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो इसमें से हमारा सबसे तेज कौन सा है, तेंदुआ। दूसरा है, भारत के कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, तो कितना प्रतिशत है, 70%। तीसरा है हमारा, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है, तो किससे हैं, स्थानांतरित कृषि से।
चौथा हमारा, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है, तो ये किसको माना जाता है, औद्योगिकीकरण को। पांचवा हमारा, टेहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम क्या था, तो इसका आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। ये दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, और थर्ड है हमारा जल संसाधन। तो पहला इसका क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पे। दूसरा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। तीसरा हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो ये किस पर नहीं है, यमुना नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है, तो वर्षा से हमें ताज़ा पानी मिलता है, भूजल से भी मिलता है, भूतल से भी मिलता है, मतलब उपर्युक्त सभी। पांचवा हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है, तो ये किसके द्वारा है, तो जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा 22% जो बिजली है वो पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी, तो पहला है हमारा गांधी सागर बांध, तो ये हमारा किस नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे। दूसरा हमारा नागा अर्जुन सागर बांध, तो नागा अर्जुन ही हमारा कहाँ है, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। तीसरा हमारा कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील हमारी कौन सी है, जो भोपाल में झील है वो हमारी कैसी है, भोपाल का बड़ा तालाब जो है हमारा वो कृत्रिम झील है, कृत्रिम या फिर ये भोपाल से हमारा सुमेल होगा। चौथा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये हमारा किसको रिलेट करता है, नर्मदा नदी को। पांचवा हमारा बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को, क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सत्य और असत्य छांटिए, तो इसमें पहला है हमारा महासागर का जल अलवणीय जल है, तो असत्य है क्योंकि महासागर का जल लवणीय जल है, उसमें नमक होता है। सेकंड है हमारा कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो ये हमारा सत्य है। तीसरा हमारा सरदार सरोवर बांध गुजरात में तापी नदी पर बना हुआ है, तो ये हमारा आधा सही है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है पर तापी पर नहीं, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा हमारा प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध झील और सिंचाई यंत्रों का निर्माण कराया गया, तो ये हमारा सत्य है। पांचवा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो ये भी हमारा सत्य है। उसके बाद में एक वाक्य और एक शब्द वाले, तो पहला हमारा भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो कितना प्रतिशत होता है, 22%। सेकेंड हमारा भारत में सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो ये कौन सा हमारा, भाखड़ा और नंगल डैम। नेक्स्ट हमारा तीसरा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो किस में, महाराष्ट्र में। पांचवा हमारा सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये हमारी चार की। नेक्स्ट हमारा छठवा, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, तो ये क्या है, बाढ़ को रोकना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो सिंचाई का संसाधन पैदा करना, ठीक है, ये हमारा बहुउद्देशीय परियोजना का मेन काम है। नेक्स्ट है हमारा कृषि, तो कृषि में हमारा पहला क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो ये किसको दर्शाता है, बागाती कृषि को। दूसरा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो इनमें से रबी की फसल हमारी कौन सी है, गेहूं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसमें से फलीदार फसल हमारी कौन सी होती है, दालें। अच्छा ये आप याद रखना कि कौन सी फसल रबी की है, तो रबी मतलब होता है सूर्य, और जब हमको सूर्य अच्छा लगता है मतलब सर्दी, और खरीफ मतलब होता है खरपतवार यानी घास, तो घास सबसे ज़्यादा कब उगती है, बरसात में, तो खरीफ की फसल मतलब बरसात वाला सीज़न, और रबी की फसल मतलब सर्दियों वाला सीज़न। नेक्स्ट हमारा चौथा, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2/3। पांचवा हमारा, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो इनमें से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, चावल मुख्य खाद्यान्न है, क्योंकि ये सब जगह खाया जाता है, ज़्यादातर उस इलाकों में जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं जैसे बंगाल वगैरह और समुद्र के एरियों के आसपास जो है हमारा, वहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा सत्य सत, तो पहला है, रोपण कृषि के द्वारा चाय कॉफ़ी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है, वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, कपास जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। चौथा हमारा, भारत कृषि 60% लोगों की आजीविका प्रदान करती है, तो ये हमारा गलत है।
पांचवा हमारा चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर रो कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा, भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है, तो ये क्या है, कृषि यानी फार्मिंग। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, देश के किन राज्यों में चावल की दो या तीन फसलें ली जाती हैं, तो ये किन राज्यों में ली जाती हैं, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, इसमें दो या तीन फसलें ली जाती हैं। तीसरा है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये भी हमारा पश्चिमी बंगाल ही है। चौथा हमारा, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो किस प्रकार की जाती है, गहन कृषि की जाती है। पांचवा हमारा, उस फसल का नाम बताएं जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रवि की फसल है, तो इस फसल को हम लोग बोलते हैं तिल, ठीक है, तो तिल हमारा उत्तरी भारत में खरीफ की है जबकि दक्षिणी भारत में रवि की फसल है। नेक्स्ट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो ये हमारा पांचवा चैप्टर है, इसमें से हमारे एक मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला हमारा, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है, तो इनमें से अधात्विक खनिज हमारा कौन सा है, अभ्रक। दूसरा हमारा, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ओडिशा में। तीसरा हमारा, देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो 52% तांबा कौन सा करता है, मध्य प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्य प्रयोग में अधिक किया जाता है, तो ये हमारा कौन सा प्रकार है, बिटुमिन। नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण नहीं स्रोत है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आणविक ऊर्जा यानी न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है वो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो ये किसका होता है, मुंबई हाई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, भुज में, भुज के जो निकट माधोपुर है वहाँ पे हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। तीसरा हमारा, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, तो इस सबसे पुराना कौन सा है, असम। चौथा हमारा, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है, तो कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, फिफ्थ नंबर पे आता है। नेक्स्ट है पाँचवा, जलोढ़ निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, तो ये किससे जाने जाते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से, किस नाम से जाने जाते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो पहला सही जोड़ी हमारा क्या है, ऊर्जा का परंपरागत संसाधन, तो ये हमारा कौन सा, कोयला। नेक्स्ट है हमारा तांबा, तो तांबा हमारा किसको मैच करेगा, बालाघाट को। तीसरा हमारा दंत मंजन, तो दंत मंजन हमारा किसको करेगा, टिटेनियम को, ये हमारा टिटेनियम से बनता है। नेक्स्ट हमारा अभ्रक निक्षेप, तो ये हमारा कहाँ रिलेट करेगा, छोटा नागपुर का पठार। और पाँचवा मैग्नीज, तो ये हमारा किसको करेगा, ओडिशा को। उसके बाद में हमारा सत्य सत्य, तो पहला भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं, तो ये भी हमारा सही है। दूसरा हमारा, खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, तो ये हमारा असत्य है। तीसरा, एस्को के सतत उत्खनन से लागत घटती है, तो ये भी हमारा असत्य है। चौथा हमारा, हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में ही की गई थी, तो ये हमारा सत्य है। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत किस देश को सर्वाधिक लोह अयस्क निर्यात करता है, तो किसको करता है, जापान को। नेक्स्ट है, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है, तो किस में होता है, सीमेंट, सीमेंट बनाने में चूने का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो ये हमारा तारापुर है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है हमारा तारापुर। नेक्स्ट हमारा चौथा, कोयला किस प्रकार का खनिज है, तो कोयला हमारा कैसा है, अधात्विक ऊर्जा खनिज है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां चैप्टर, विनिर्माण उद्योग, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आपको करना है, ये मानचित्र भी ये इतने सारे आएंगे, आप देख सकते हो, ये स्क्रीन कहाँ चली गई, तो ये हमारे मानचित्र। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विनिर्माण उद्योग, तो इसमें हमारा पहला कौन सा है, भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राज्य है, गुजरात। सेकेंड है हमारा, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, मैसूर। तीसरा हमारा, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में। चौथा है, प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो किस स्थान पर हुई थी, कलकत्ता यानी कोलकाता में। पांचवा हमारा, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग।
छठवां हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है, तो किस में, झारखंड में स्थित है। सातवां हमारा हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इन सब में हमारा किसका किया जाता है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट हमारा आठवां भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नवा है हमारा विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द्वितीय। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो ये हमारा कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 17.2%। दूसरा हमारा भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो चीनी उत्पादन में कौन सा, दूसरे नंबर पे। तीसरा गुजरात के कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया, सूरत। नेक्स्ट हमारा चौथा वस्त्र उद्योग में लोग कार्यरत हैं, तो कितने लोग हैं, करीब 350 लाख लोग कार्यरत हैं। पाँचवा हमारा बोकारो इस्पात संयंत्र सन में स्थापित किया गया, तो ये कब किया गया, 1972 में स्थापित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसका सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में पहला हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेशन, तो ये हमारा कैसा है, संयुक्त उद्योग है। दूसरा हमारा बजाज ऑटो लिमिटेड, तो ये हमारा कैसा है, निजी उद्योग है। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग, तो ये हमारा कृषि आधारित कौन सा, सूती वस्त्र, क्योंकि पहले कपास की खेती होगी। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, चूना पत्थर, तो ये किसको करेगा, चूना पत्थर को। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सत्यसत, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य। दूसरा है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। तीसरा हमारा तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य। चौथा हमारा भारत जापान को सूत निर्यात करता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य। पाँचवा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, तो ये हमारा पांचवा कैसा हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट है उसके बाद में छठवा, भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो ये हमारा कैसा, सत्य है। सातवां हमारा उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा अयस्क कोयला एवं चूने का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला हमारा क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन वर्गों में बांटा गया है, तो किन्नी यहाँ पे होना चाहिए, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कितने में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया। नेक्स्ट हमारा आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, लोहा इस्पात उद्योग को। तीसरा हमारा सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई दो प्रमुख शहरों के नाम लिखो, तो कौन कौन सा है, अहमदाबाद और बॉम्बे। उसके बाद में नेक्स्ट है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को। उसके बाद में ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, और ये हमारा इसका 7th नंबर का चैप्टर है, तो इसमें से हमारे 2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला इसमें हमारा क्या है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंड के प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, तो कितने में किया गया, 16। नेक्स्ट हमारा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा है, तो ये कौन सा, श्रीनगर से लगा करके कन्याकुमारी तक। तीसरा हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, तो ये किसको किया गया, तो ये किया गया हमारा कांडला को। चौथा, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये कब किया गया, 1953 में। नेक्स्ट हमारा पांचवा, भारत के कुल निर्यात का 50% लोहा अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है, मारमागाव, किससे किया जाता है, मारमागाव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा, लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, तो ये कितना है, 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। दूसरा हमारा, राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, व्यापार। तीसरा हमारा, देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व का बृहत समाचार तंत्र में से एक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दूरदर्शन।
चौथा हमारा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग सीमा, तो ये हमारी कौन सी है, अभी अभी बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटल सुरंग या अटल टनल जो है हमारा, वो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग सीमा है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाओ, तो पहला हमारा क्या है, जल परिवहन, तो जल परिवहन हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा सबसे सस्ता साधन। दूसरा है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज हमारा किसको करेगा, तो ये करेगा महाराजमार्ग को। तीसरा हमारा देश की पहली रेलगाड़ी, तो देश की पहली रेलगाड़ी हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा सन 1853 में चलाई गई थी। चौथा हमारा राजमार्गों का निर्माण, तो ये कौन करता है, PWD यानी लोक निर्माण विभाग। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, नहीं इससे पहले इसका सत्य सत्य है ये भी देख लेते हैं। मुंबई का एक बृहद पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा है डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है, तो ये भी हमारा सत्य है। चौथा हमारा भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो ये भी हमारा सत्य है। पांचवा हमारा पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, तो ये हमारा असत्य है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला हमारा देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है, तो कितने प्रतिशत व्यापार होता है, 95। दूसरा हमारा पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पतन स्थित है, तो ये कौन सा है, तूतीकोरन, कौन सा स्थित है, तूतीकोरन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं, तो कौन सी भाषा में होते हैं, हिंदी। नेक्स्ट है हमारा चौथा, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारी। नेक्स्ट है पाँचवा, कम व्यक्तियों कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है, तो कौन सा है, सड़क परिवहन है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा, तो ये हमारा जो इकोनॉमिक्स था या जो हमारा समकालीन भारत दो यानी जो हमारा भूगोल यानी ज्योग्राफी था, ये हमारा फिनिश हो गया। तो इसके ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए उन सब के आंसर हैं इसी PDF में, आप यहाँ से इनको देख करके कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग हिस्ट्री पर, तो जो हमारा हिस्ट्री है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा इसका क्या है, हिस्ट्री का, थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमारा आ जाएगा हिस्ट्री, तो ये आ गया हमारा इतिहास। और इतिहास हमारा क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वैसे अगर ये हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी हमारे ये चैप्टर हैं सोशल साइंस के, ये गवर्नमेंट एग्जाम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हिस्ट्री का भी पूछा जाता है, पर ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर छोड़ करके जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है यहाँ से ज़्यादा आता है। तो पहला हमारा क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है हमारा फ्रेडरिक शरयू कहाँ के कलाकार थे, तो ये कहाँ के थे हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। दूसरा हमारा विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये किसने की थी, दिदरो ने, ये इसका, या दिदरो ने। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी, तो ये किसने रखी थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चौथा हमारा, राष्ट्रवाद को चित्रों का माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन सा था, तो ये था हमारा फ्रेडरिक शारियो। पांचवा हमारा, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई, तो किसकी की गई, मौरियान की। नेक्स्ट हमारा छठवां, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, तो ये किस बात का प्रतीक है, न्याय का। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हमारा पहला है फ्रांस कलाकार फ्रेडरिक शरयू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो इसने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई, 4। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो ये कब हुई, 1789 में। नेक्स्ट हमारा तीसरा, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारी कौन सी संहिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेपोलियन। चौथा हमारा, गालिसिया में कुलीन वर्ग भाषा बोलते थे, तो कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश।
पांचवा हमारा 1871 के भारत यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्षेत्र था, तो ये कौन सा था हमारा, बाल्कन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला हमारा नेपोलियन की पराजय, तो नेपोलियन की पराजय हमारा किसको मैच करेगा, सन 1815 वाटरलू में जो युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की पराजित हो गई थी। दूसरा हमारा वियना संधि का सदस्य नहीं, तो ये कौन नहीं था, अमेरिका। तीसरा हमारा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी हमारा क्या है, नाविक। नेक्स्ट हमारा चौथा रक्त और लोहे की नीति, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट हमारा मरियान की प्रतिमा है, तो जो मरियान की प्रतिमा है ये राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला हमारा क्या है, स्टेट जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो ये स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है दूसरा 1813 में लाइस्पिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया है, तो किसको दर्शाया गया है, नेपोलियन को। नेक्स्ट हमारा तीसरा नेपोलियन ने इटली और हमला कब किया, तो नेपोलियन ने इटली और पर ये हमला कब किया, तो ये किया था हमारा 1797 में इटली पर हमला किया था। नेक्स्ट है चौथा अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक रिस्ट किस देश से थे, तो किस देश से थे, जर्मनी से। नेक्स्ट हमारा पांचवा लॉर्ड वायरन कौन था, तो लॉर्ड वायरन कौन थे, एक अंग्रेजी कवि थे। नेक्स्ट हमारा छठवां मरियान की प्रतिमाएँ कहाँ लगाई गई, तो ये कहाँ पर लगाई गई, तो ये सार्वजनिक चौराहे जो थे वहाँ पर हमारा ये प्रतिमाएँ लगाएंगी। सातवां हमारा 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, तो ये किसको कर दिया गया, तो इमैनुअल द्वितीय को कर दिया गया। आठवां हमारा जालवेराइन क्या था, तो जो जालवेराइन ये हमारा एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मनी राष्ट्र शामिल थे, तो इससे हमें क्या करना पड़ता था, एक शुल्क देना, यह एक शुल्क का संघ था जो हमारा शुल्क वसूलने का काम करता था। नेक्स्ट हमारा सत्य, तो पहला है हमारा वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनीख ने की थी, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा हमारा 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा हमारा 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बैठा था, तो यह सत्य है। चौथा हमारा 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि हिटलर तो हमारा बाद में आया, ये तो हमारा 1940 के आसपास की बात है हिटलर की, तो ये तो अलग हो गया। पांचवा हमारा लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता को गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, तो इसमें से हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा चोरी चोरा की घटना कब हुई थी, तो जो चोरी चोरा है ये 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी। तीसरा रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो ये कब किया गया, 1919 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई, तो ये कब हुई हमारी, 6 अप्रैल 1919 को की गई थी। अरे यार ये फिर वापस से चला गया, तो ये हमारा आएगा वापस से, हाँ तो ये कब हुई थी हमारी, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा पांचवा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था, तो इन्होंने कौन सा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। छठवां हमारा जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई, तो जलियांवाला बाग की घटना हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुई। सातवां हमारा 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे, तो ये कहाँ गए थे, अहमदाबाद में गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ, तो अगस्त 1942। नाइन्थ हमारा साइमन कमीशन कब भारत आया, तो जो हमारा साइमन कमीशन है ये भारत आया था 1928 में। दसवां हमारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो ये किया गया 31 दिसंबर 1929 में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ग्यारहवां क्वेश्चन साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किया गया हमले में कौन घायल हो गया था, तो ये लाला लाजपत राय हो गए थे और इसी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। बारहवां हमारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो करो या मरो का नारा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। उसके बाद में तो ये हमारे विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं, इनके आंसर मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आंसर हैं, तो इनके आंसर आपको खुद को देने। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर पर, तो नेक्स्ट हमारा तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना,
तो इसमें हमारा निम्नलिखित उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए और इससे वास्तुनिष्ठ हमारा एक ही प्रश्न आना है। तो पहला क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1990 के दशक में। नेक्स्ट हमारा दूसरा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को। तो गिरमिटिया मजदूरों को कहा जाता है जो अपने में मतलब ऐसे रख लेते हैं, ले लेते हैं मजदूरों को, कि उनको मतलब मजदूरी तौर पर दिया जाता है, वहीं पर वो रहते हैं, खाते पीते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था, तो ये कौन सा किया गया था, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है हमारा चौथा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था, तो इस मार्ग का नाम ही कर दिया गया था रेशम मार्ग, क्योंकि यहाँ से रेशम ले जाया जाता था। पांचवा हमारा, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो ये किस क्रांति के बाद हुआ, जब हमारी औद्योगिक क्रांति हुई। छठवां है हमारा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ, तो ये हुआ था हमारा 1944 में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है, तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है, वस्त्र बाजार। नेक्स्ट है हमारा आठवां, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो ये कौन सा शहर उभर कर के आया, तो ये आया था हमारा अलेक्जेंड्रिया। कौन सा आया था, अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो ये किस में भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में। दसवां हमारा, रिंदर कीटर का संबंध किससे है, तो जो हमारा रिंदर कीटर है ये हमारा पशुओं से है, यानी मवेशियों से। ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा IFM का पूरा नाम क्या है, तो जो IFM है इसका हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बारहवां, नहर कॉलोनियाँ क्या थी, तो जो नहर कॉलोनियाँ थी ये हमारा सिंचित क्षेत्र था। तेरहवां क्वेश्चन है हमारा, कॉर्न लॉ का संबंध किससे है, तो जो कॉर्न लॉ है वो ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंध कानून से है। कॉर्न का मतलब ही होता है मक्का, तो जो मक्के के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध है उससे संबंधित एक नियम बना था। नेक्स्ट हमारा चौदहवां, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 में स्टार्ट हुआ और 1919 तक चला, तो 1914 से 1919 तक। पंद्रहवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ, तो भारत में कब हुआ, 1991 में शुरू हुआ, ये ऊपर चला गया। तो जो भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ ये कब हुआ हमारा, 1991 में। सोलहवां क्वेश्चन है हमारा, NEO क्या है, तो NEO हमारा क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। सत्रहवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोड़ियों का क्या उपयोग होता था, तो ये जो कोड़ियाँ होती हैं, कोड़ियाँ होती थी, ये किसके रूप में यूज़ होती थी, करेंसी अर्थात मुद्रा के रूप में यूज होती थी। अठारहवां हमारा, कॉर्न लॉ क्या है, तो कॉर्न लॉ अभी हमने पढ़ा कि ये क्या था, मक्का के आयात को प्रतिबिंब कर देना था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है, तो ये हमारा कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। नेक्स्ट हमारा बीसवां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, औपचारिक रूप से 1945 में इसका गठन कर दिया गया था। 21वां हमारा, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे, तो किस राष्ट्र से पहुंचे थे, चाइना यानी चीन से। नेक्स्ट हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें हमारा 1890 के दशक में डिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी, तो डिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी, अफ्रीका देश में फैली थी। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 23वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध अभी अभी हमने पढ़ा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है हमारा वो लड़ा गया था हमारा 1914 से लगा करके 1919 तक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन, तो 24वां हमारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब लड़ा गया, 1939 से लगा करके 1945 तक। नेक्स्ट है हमारा 25वां, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, तो लगभग कितने लोग बस गए, 5 करोड़ लोग बस गए। 26वां हमारा, सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है, तो सिल्क मार्ग का नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, जिसे सिल्क कहा जाता था, उसका महत्व था, इस वजह से यहाँ से जो सिल्क जाते थे, तो इसी का नाम हमने क्या रख दिया, सिल्क मार्ग रख दिया। नेक्स्ट हमारा 27, कॉर्न लॉ क्या है, तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामी को दबाव में, सरकार ने मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण से इस सरकार को एक लॉ बनाना पड़ा, जिस लॉ का क्या नाम है,
कॉर्न लॉ, जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लगाई थी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉ बोलते हैं, यानी मक्के का नियम। नेक्स्ट हमारा 28, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन से थे, तो ये कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा 29वां नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, तो इसमें हमारी कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30वां, वीटो विशेषाधिकार क्या है, तो वीटो एक तरह की पावर है जो जो हमारे यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं जो हमारे उसमें है, तो वीटो पावर यानी नकारात्मक यानी निषेधात्मक शक्ति होती है। तो वीटो विशेषाधिकार का आशय यह है कि इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य असहमति से किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है, और ये कितने देशों के पास है, अभी 5 देशों के पास है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप हम लोग इसी चैनल पर कुछ टाइम बाद वो लाने वाले हैं, कंपटीशन के लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं, उसमें आपको ज़रूर बताया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 30 पर, आयात शुल्क से क्या आशय है, तो आयात का मतलब क्या है, किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों को वसूल किए जाने वाला जो कर होता है उसे हम आयात शुल्क बोलते हैं, और बेचने पर जो कर होता है उसे हम निर्यात शुल्क कहते हैं। चौथा हमारा औद्योगिकीकरण का युग, तो इसमें भी हमारा एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पहले हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की, तो ये किसने की थी, ई टी पाल म्यूजिक कंपनी ने, किसने, जो ई टी पाल कंपनी थी इसने। नेक्स्ट हमारा दूसरा, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को हम क्या कहते हैं, प्राच्य। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, इंग्लैंड प्रिंटर्स में जो मजदूर घर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई, तो क्या हुई, 26 जनवरी 1901 को प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है हमारा चौथा, चुनंटों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, फुलर कहते हैं। पांचवा हमारा, स्पिनिंग जैसी मशीन का आविष्कार किसने किया, तो ये किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। नेक्स्ट हमारा छठवां, जे एन टाटा के भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो पहला हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये सर्वप्रथम हमारी कहाँ पर प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है उसके बाद में दूसरा हमारा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ये किसने की थी, रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। नेक्स्ट है थर्ड, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, तो ये कौन सा बन चुका था, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे, तो ये किसने लगाई थी, सेठ हुकुमचंद लगाने वाले थे। नेक्स्ट हमारा, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेबल, जो उसमें सारा कुछ मेंटेन करके रख देता है। तीसरा हमारा, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे, तो ये उद्योग ये क्या रखते थे, जावर रखते थे। नेक्स्ट हमारा चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए थे, तो ये क्या नियुक्त किए थे, गुमास्ता। नेक्स्ट हमारा पाँचवा, 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किसकी तस्वीर थी, तो ये भगवान विष्णु जी की तस्वीर थी। छठवां हमारा, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग के कार्यों के रूप में होता था, तो किसके, ऊन कताई के कार्यों के रूप में होता था। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, पहली सही जोड़ी है इसका हमारा, तो इसमें हमारा क्या लिखा हुआ, स्ट्रेपलर, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मैच करेगा ऊन के छांटने वाला। दूसरा है इसमें हमारा फुलर, तो फुलर हमारा किसको करेगा, चुट्टन से कपड़े समेटने पर। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा गुल्डस, तो गुल्डस हमारा किसको करेगा, तो ये हमारा करेगा गुल्डस उत्पादकों के संगठन। उसके बाद में स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी हमारा किसको करेगा, तो ये हमारा आएगा ऊनी कताई। नेक्स्ट है हमारा कार्डिंग, तो ये जो है हमारा ये किसको करेगा कार्डिंग, तो ये आ जाएगा हमारा ऊन कताई। नेक्स्ट है हमारा द्वारकानाथ टैगोर, तो द्वारकानाथ टैगोर हमारा किसको करेगा, जहाज निर्माण। नेक्स्ट है हमारा भाई भोसले, तो ये हमारा किसको करेगा, ट्रेड यूनियन लीडर को। उसके बाद में सत्य क्वेश्चन, तो इसमें हमारा पहला क्या है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था,
तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। दूसरा, हमारा विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। तीसरा, हमारा जमशेद जी जीजी भोए एक पारसी बुनकर के बेटे थे, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। नेक्स्ट हमारा चौथा, जी एन टाटा ने जमशेदपुर में पहली सूती वस्त्र उद्योग लगाया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पांचवा हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट है उसके बाद में अति लघु त्रिय प्रश्न, तो इन सबको आपको करना है और इसके आंसर तो दे करके रखे हुए हैं। लघु त्रिय प्रश्न के आंसर नहीं दे करके रखे हैं, पर अति लघु त्रिय प्रश्न के आंसर इसमें दे करके रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो इसमें हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए, तो ये हमारा क्या है, जापान में 1868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी, तो ये कौन सी छपी थी, डायमंड सूत्र छपी थी। दूसरा हमारा, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, तो किस में हुई, चीन में विकसित हुई। तीसरा हमारा, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। चौथा हमारा, सामवंत कौकुमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो ये किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ये किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। पांचवा हमारा, मार्टिन लूथर कौन था, तो ये हमारे कौन थे, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। छठवां हमारा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो ये किसने की थी, जयदेव जी ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए, तो पहला हमारा क्या है, वॉर्कर्स, नेक्स्ट हमारा वॉर्क्यूलस प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, तो ये कब किया गया, 1878 में। तीसरा हमारा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जो हमारा गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले। तीसरा हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो तीसरा हमारा, चांद सूरज की गति ज्वार भाटा की समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां, तो ये किसके द्वारा दी जाती हैं, जो ये अहम जानकारियां हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, पंचांग द्वारा। नेक्स्ट हमारा चौथा, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उलमा कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन, एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है, तो एक पैसिया किताब बेचने वाले को क्या कहा जाता है, चैपमैन। छठवां हमारा, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी, तो आमार जीवन नामक ये कथा किसने लिखी थी, रस सुंदरी देवी ने। सातवां हमारा, किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, यह किसने लिखा था, तो यह हमारा किसने लिखा था, एरेस्मस ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हमारा पहला क्या है रिक्त स्थान, तो इसका है हमारा, इंग्लैंड में एक पैसिया या पेनी चैप बुक बेचने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चैपमैन। उसके बाद में नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग में ने 1848 ईस्वी में अपने प्रिंटिंग मशीन में नामक पहली पुस्तक छापी, तो ये पहली कौन सी पुस्तक छापी, बाइबल छापी। तीसरा हमारा, छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता था, तो ये क्या कहलाता था, कंपोजर। नेक्स्ट हमारा चौथा, चीनी बौद्ध प्रचारक 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीकी लेकर के आए, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कौन लेकर के आए, जापान, इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलम। नेक्स्ट हमारा छठवां, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्मरण 1810 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया, तो कहाँ से प्रकाशित किया गया, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य दीजिए, पहला इसका हमारा, पांडुलिपि या बहुत सस्तियाँ होती हैं, तो पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, तो ये असत्य है। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, तो ये भी हमारा असत्य है। तीसरा हमारा, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, तो ये हमारा सत्य है। चौथा हमारा, गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की कोई दो प्रतियाँ एक जैसी नहीं थी, तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट हमारा पाँचवा, 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुँचा, तो ये भी हमारा सत्य है।
उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है, इसके आंसर इसमें दे करके रखे हुए हैं। और नीचे की तरफ आ जाते तो ये हमारा जो सोशल साइंस था ये हमारा फिनिश, सोशल साइंस का मतलब सॉरी हिस्ट्री था ये हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो पर। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ लेकर के आते हैं तो ये आ गया हमारा लोकतांत्रिक, और नीचे और नीचे और नीचे मुद्रण संस्कृति, फिर उसके बाद में हमारा क्या है, हाँ लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक हैं सारे, तो आपको इसको क्या करना है, एक दो बार वीडियो को देखना है। वैसे वीडियो का साइज़ थोड़ा सा लंबा होगा, तो जब भी आप दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे खाना खा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो या खेल रहे हो, खेल मतलब जैसे टहल रहे हो या फिर सोने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप इसको हैंड फ्री कानों में लगा करके सुन सकते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसी वीडियो आपको और भी अलग अलग सब्जेक्टों की मिल जाएगी। सोशल साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, बाकी के सब्जेक्टों का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो अध्याय एक सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हमारा पहला क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका हमारा कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1948 में। दूसरा है इसके बाद में हमारा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए हमारा क्या आवश्यक है, तो इसके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। तीसरा हमारा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। नेक्स्ट हमारा चौथा सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, तो ये किस देश में है हमारी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बेल्जियम में। पांचवा हमारा इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है, तो इनमें से लोकमत के मार्ग में कौन सा बाधा, जातिवाद। छठवां हमारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम में। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला भारत के लोकतंत्र के संचालन की कोई दो चुनौतियां बताइए, तो पहला हमारा इसका क्या है, सामाजिक व आर्थिक असमानता। पहला हमारा सामाजिक और दूसरा हमारा आर्थिक असमानता। दूसरा हमारा श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये किसका है, सिंहली का है, किसका है, सिंहली। नेक्स्ट है उसके बाद में तीसरा हमारा लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, तो ये सबसे अहम क्या हुआ, उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध शासन। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा बेल्जियम है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये थोड़ा सा मिस हो रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय यहाँ पे बेल्जियम में है, और ये वापस से भी पूछा गया, तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, बेल्जियम में। नेक्स्ट है उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो इसका हमारा पहला क्या है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र हमारा कब बना, 1948 में। नेक्स्ट है सामुदायिक सरकार, तो सामुदायिक सरकार हमारी कौन सी है, बेल्जियम की। नेक्स्ट है बहुसंख्यक के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध, तो ये हमारा कहाँ हुआ, श्रीलंका में। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं, तो ये कौन सी है, फ्रेंच और डच। श्रीलंका गृह युद्ध का अंत, तो ये कब हुआ हमारा, 2009 में इसका अंत हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा संघवाद, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा बेल्जियम में सरकार है, तो बेल्जियम में हमारी कैसी सरकार है, तो ये हमारा संघीय सरकार। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सा विश्व केंद्र सूची में नहीं है, तो इनमें से कौन सा हमारा विश्व केंद्र सूची में नहीं है, कानून। तीसरा हमारा स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नगर निगम। चौथा हमारा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका। पांचवा हमारा कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है, तो इनमें से कौन सा विषय हमारा राज्य सूची में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सुरक्षा। छठवां हमारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा कहाँ है, बेल्जियम में। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा क्या है, भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो हमारा भारत है उसमें हमारे 28 राज्य हैं, और इसके आंसर सीट में लिखा हुआ है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर ये चेंज हो गया, तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। आंसर सीट में भी इसकी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप था उसको मिक्स कर दिया गया, तो वो एक ही हो गया, अब तो कितने हो गए, 8। सेकेंड है भारत का वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन पर है।
थर्ड है ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो इसको सरपंच कहते हैं, पर यूपी में सरपंच को प्रधान कहा जाता है, पर आपको क्या लिखना है सरपंच, क्योंकि सभी जगह सरपंच कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा नगर का प्रमुख कहलाता है, तो नगर का प्रमुख क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं महापौर। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान का रखवाला कहलाता है, तो संविधान का रखवाला कौन कहलाता है, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संघ सूची में विषय है, तो इसमें कितना विषय है, 97 यानी 97। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाओ, तो इसका पहला क्या है संघीय सूची, तो संघीय सूची हमारा किसको मैच करेगा, संचार। नेक्स्ट है हमारा राज्य सूची, तो राज्य सूची हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा हमारा कृषि। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची हमारा किसको मैच करेगा, शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा नगर निगम, तो नगर निगम हमारा किसको मैच करेगा, महापौर। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, तो ये किसको मैच करेगा, पंच यानी पंच और सरपंच को, तो इसमें पंच ही दिया है तो पंच को। तीसरा हमारा लोकतंत्र और विविधता, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प, भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी थी, तो ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। सेकंड है हमारा भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें कितना मौलिक अधिकार हैं, 6। तीसरा हमारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है वो हमारा कब चलाया गया, तो वो चलाया गया 1954 से 1968 में। चौथा हमारा टॉमी स्मिथ और जॉन कोरलास हैं, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कोरलास हमारे क्या थे, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे होगा, तो ये क्या थे, अमरीकी धावक थे। पांचवा हमारा ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ व जॉन कोरलास ने जीता, तो इन्होंने क्या जीता, तो इन्होंने स्वर्ण और कांस्य। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा सत्य असत्य का चयन कीजिए, तो पहला हमारा भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सत्य है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। लोकसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा अश्वेत शक्ति आंदोलन 1986 में उभरा, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि ये कब उभरा था, 1966 में उभरा था। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा टॉमी स्मिथ व जॉन कॉर्लेस एफ्रो अमेरिकी थी, तो ये भी हमारा कैसा, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट हमारा मैरिको ओलंपिक हुआ, तो मैरिको ओलंपिक कब हुआ था, 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा लोकसभा प्रतिनिधित्व करती है, तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जनता का, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा चौथा श्रीलंका में पर भेदभाव है, तो श्रीलंका में किस पर भेदभाव है, भाषा और जातीय धर्म पर। नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है, तो इसका आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला हमारा क्या है, अश्वेत आंदोलन हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, नस्ल भेद व रंग भेद के कारण अमेरिका में जो भेदभाव होता है वो हमारा अश्वेत आंदोलन उसके कारण हुआ। तीसरा है एफ्रो अमेरिकी कौन है, तो एफ्रो अमेरिकी वो लोग हैं जो अश्वेत हैं और अमेरिकी, जिन्हें 17वीं और 19वीं सदी तक अमेरिका का गुलाम बनाकर रखा गया था, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एफ्रो अमेरिकी। नेक्स्ट है तीसरा प्रवासी से क्या तात्पर्य है, तो विदेश से रहने के लिए अपने देश में जो नागरिक आते हैं उन्हें हम प्रवासी कहते हैं। चौथा है बहुल समाज से क्या तात्पर्य है, तो एक ही अधिक समुदायों से मिलकर बना जो समाज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुल समाज। नेक्स्ट है हमारा नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध अमेरिका में किसने आंदोलन चलाए, तो किसने चलाए थे, मार्टिन लूथर ने। उसके बाद में हमारी सही जोड़ी बनाओ, तो सही जोड़ी में हमारा क्या है, पहला हमारा भारतीय संविधान, तो ये धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा हमारा अश्वेत शक्ति को प्रदर्शित किया, तो ये किसने किया, तो ये काले दस्ताने और बंदी मुट्ठियों द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, जनता स्वयं शासन में भागीदारी होती है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो इसका हमारा क्या आएगा, चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, तो ये किसको रिलेट करेगा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को, ये वहाँ के क्रांतिकारी थे। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न है, ये आपको करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे चैप्टर पर, जो कि हमारा जाति धर्म के मसले। तो पहला हमारा क्या है, सही विकल्प, तो इसमें हमारा धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता उक्त कथन है, तो धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। दूसरा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। तीसरा हमारा भारतीय संविधान के बारे में
इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से हमारा कौन सा कथन गलत है? तो एक धर्म को राजकीय धर्म बनाना। नेक्स्ट है उसके बाद में फोर्थ, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा मामला हमारा पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? तो भारत में कितने प्रतिशत सुरक्षित है? तो 50, 40, 30। तो इसका आंसर, ये सभी गलत है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा द, यानी सभी गलत है। नेक्स्ट है सत्य, सत्य घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है, तो ये सत्य है। भारत संविधान धर्म निरपेक्ष है, तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी, तो ये गलत है क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति थी महिला, इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट हमारा ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे, तो ये भी हमारा कैसा सत्य है। उसके बाद में खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हमारा पहला क्या है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जाति। नेक्स्ट हमारा सेकंड, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौथा, भारत की प्रथम विधि मंत्री थे, तो जो भारत के प्रथम विधि मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, तो कितनी है, 18 वर्ष। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकारी आंदोलन चलाया गया, तो ये कब चलाया गया, 1955 से 1968 में, तो ये 1955 से कब तक चला, 1968 तक। नेक्स्ट है काले दस्ताने और बंद मुट्ठी अमेरिका के प्रतीक थी, तो ये किसकी थी, अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। नेक्स्ट है हमारा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्ले कौन थे, तो ये हमारा कौन था, अमेरिकी धावक थे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लैंगिक असमानता क्या है, तो लैंगिक के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं। पांचवा हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कहाँ है, सॉरी राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ पे, हमारा नई दिल्ली में। उसके बाद में हमारा मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में पहला हमारा क्या, ओलंपिक गेम, तो ये किसको हमारा रिलेट करेगा, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है सिंहली समुदाय, तो ये किसको मैच करेगा, श्रीलंका। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा जाति की सामुदायिकता का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक। नेक्स्ट है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सांप्रदायिक। नेक्स्ट है पितृ प्रधान समाज, तो ये कौन सा है, भारतीय समाज है। उसके बाद में पाँचवें चैप्टर पर आ जाते हैं, जो कि हमारा जनसंघर्ष आंदोलन, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, FEDECOR यानी फेडकोर संगठन सक्रिय है, तो ये संगठन हमारा कहाँ पे सक्रिय है, बोलिविया में। नेक्स्ट है सेकंड, जमीन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान जनता द्वारा किया गया, तो ये हमारा कहाँ पे किया गया, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है थर्ड, जल युद्ध चलाया गया, तो जो जल युद्ध है वो हमारा कहाँ पे चलाया गया, बोलिविया में। नेक्स्ट है हमारा तोड़ो और रोपो आंदोलन चलाया गया, तो ये जो तोड़ो और रोपो आंदोलन है ये हमारा कहाँ चलाएगा, कर्नाटक में। पांचवा हमारा राजा वीरेंद्र संबंधित हैं, तो जो राजा वीरेंद्र थे वो हमारे किससे संबंधित थे, नेपाल से। उसके बाद में सत्य सत्य, तो ये हमारा लोकतंत्र में जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। सेकेंड है हमारा काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो ये भी हमारा कैसा, सत्य है। तीसरा हमारा ब्रह्म समाज एक सांप्रदायिक आंदोलन था, तो ये भी सत्य है। दबाव समूह राजनीति के प्रत्यक्ष भाग लेते हैं, तो यह सत्य है। भारत में बहुजन समाज पार्टी एक दबाव समूह है, तो ये भी हमारा कैसा है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग खाली स्थान पर, तो इसमें हमारा क्या है, नेपाल की राजधानी, तो उसको हम काठमांडू कहते हैं। सेकंड हमारा किस विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, तो इसे हम वर्ग विशेष हित समूह कहते हैं। तीसरा हमारा सेवन पार्टी अलायंस का गठन बंद था, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नेपाल। नेक्स्ट है हमारा DMK राजनीतिक दल है, तो ये हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन एक है, तो चिपको आंदोलन एक हमारा क्या था, दबाव समूह था, और ये चिपको आंदोलन हमारा कहाँ पे हुआ था,
टिहरी में हुआ था पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए। नेक्स्ट है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में आंसर दीजिए, आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ 2005 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये थे हमारे मेधा पाटकर। कौन थे? मेधा पाटकर। नेक्स्ट है हमारा फेडकोर सक्रिय है, तो फेडकोर हमारा कहाँ पे? बोलबिया में सक्रिय है। कहाँ पे है? बोलबिया। नेक्स्ट है चौथा, सामाजिक आंदोलन क्या है, तो जो सामाजिक आंदोलन है ये व्यक्तियों और संगठनों के विशाल औपनिवेशिक समूह हैं जिनका ध्येय विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करना है। नेक्स्ट है हमारा NAPM का अर्थ है, तो NAPM का अर्थ क्या है? नेपाल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बागरी मथाई कौन है, तो जो बागरी मथाई है ये केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के एक नेता थे जिनका नाम क्या था? बागरी मथाई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये कैसा है? दबाव समूह। नेक्स्ट है लंबी अवधि का आंदोलन, तो ये हमारा कौन सा था? खुदरा विक्रेता का संगठन। नेक्स्ट है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, तो एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन हमारा कौन सा? महिला आंदोलन। नेक्स्ट है राजनीति दल, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असम गण परिषद। नेक्स्ट है जन कल्याण की दृष्टि से चलाया गया आंदोलन, तो इसको हम क्या बोलते? लोक कल्याणकारी। उसके बाद में छठवां चैप्टर है हमारा राजनीतिक दल, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक दल को। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो राजनीतिक दल में हमारे कौन शामिल होते हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। सेकंड है किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित हैं, तो जो किशन पटनायक हैं वो उड़ीसा से संबंधित हैं। थर्ड है हमारा द्विदलीय शासन व्यवस्था है, तो द्विदलीय शासन व्यवस्था हमारी कहाँ पर है? अमेरिका में। चौथा हमारा जनसंघ के संस्थापक थे, तो जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पांचवा और लास्ट हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तो ये कौन सा? हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है सत्यासत्य का चयन कीजिए, पहला हमारा राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेता सक्रिय सदस्य व समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से हैं, तो ये भी सत्य है। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है, तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है, तो ये भी हमारा कैसा? सत्य है। नेक्स्ट हमारा खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला भारत में राजनीति व्यवस्था, तो ये कैसी है? बहुदलीय है। दूसरा है एक दलीय व्यवस्था, तो ये कहाँ पे है? चीन में है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो ये कब हुई? 1925 में। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AO Huim द्वारा की गई। नेक्स्ट है हमारा तेलुगु देशज पार्टी है, तो ये कहाँ की है? नाम से ही समझ में आ रहा, तेलंगाना में है तेलुगु देशज पार्टी। उसके बाद में नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो ये कौन देता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट है शपथ पत्र क्या है, तो एक लिखित दस्तावेज है जो किसी न्यायालय द्वारा या नियुक्ति शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति देने वाला जो कथन होता है उसे हम क्या कहते हैं? शपथ पत्र। नेक्स्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जो हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी थी उसके माननीय काशीराम जी थे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो इसका क्या है? समग्र मानवतावादी। नेक्स्ट है नागा पीपल्स पार्टी कहाँ है, तो इसका क्या है? हमारा मणिपुर में है। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें हमारा क्या है? बर्लुस्कोनी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा? बर्लुस्कोनी सी को मैच करेगा, यानी इटली के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हमारा कौन है? संयुक्त प्रगतिशील संगठन। थर्ड है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? बाम मोर्चा। नेक्स्ट है हमारा तेलुगु देशम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्षेत्रीय पार्टी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, तो ये हमारी कैसी है? राष्ट्रीय जनता गठबंधन है। नेक्स्ट है भारतीय मजदूर सभा, तो ये कैसा है? हमारा दबाव समूह है। उसके बाद में ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करना है। सेवन्थ चैप्टर पर हम लोग आ जाते हैं, तो सेवन्थ चैप्टर हमारा इसका क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। पहला है हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए, तो पहला हमारा नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, तो नागरिकों को समानता का अधिकार कौन देता है? लोकतंत्रीय सरकार। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए हमारा क्या आवश्यक है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। थर्ड है हमारा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा,
जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा उक्त कथन संबंधित है, तो ये हमारा किससे संबंधित है? लोकतंत्र से। पांचवा हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है, तो ये किस देश में ऐसी आबादी करती है? बांग्लादेश में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सत्तासत, तो पहला हमारा क्या है, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है, तो ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट है बेल्जियम सामाजिक विविधता में समजात पर आधारित देश है, तो ये भी हमारा कैसा, सत्य है। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए वैध है, ये भी सत्य है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो ये भी सत्य है। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया एल्विन टॉफलर ने, तो ये भी हमारा कैसा, सत्य है। उसके बाद में खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, पहला क्या है, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, तो ये किसके द्वारा चुनी जाती है, चुनाव के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार की आयु 1988 के पूर्व थी, तो ये कितनी थी, 21 वर्ष थी। चौथा हमारा तानाशाही विचारधारा का समर्थक करता है, तो ये कौन करता है, तानाशाही का, तो ये करती है निरंकुशवाद की सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट है दल बदल विधेयक भारत में संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया, तो ये हमारा कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 52वां। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला क्या, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध शासन बनने लगे। सेकंड है हमारा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार व वैध शासन का गठन करती है, तो किस प्रकार करती है, सरकार जनता के लिए कैसी होती है, जवाबदेही होती है, इसीलिए ये हमारी एक उत्तरदायी सरकार होती है। नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है, तो व्यक्ति को उसके जायज या उसके हक की चीज़ों को समानता से प्राप्ति या उसका अधिकार मिले, ये हमारा व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता क्या है, तो नागरिक स्वतंत्रता जिसमें व्यक्तियों को अपने व्यक्तियों के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नागरिक स्वतंत्रता। पांचवा हमारा बहुमत को शासन है, तो यह इसका क्या है, जिस दल का विधानसभा व लोकसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, बहुमत शासन। उसके बाद में सही जोड़ी, तो सही जोड़ी लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से। नेक्स्ट हमारा सामाजिक असमानताओं के रूप हैं, तो ये कौन सा, लिंग भेद जाति भेद और सामुदायिक। तीसरा हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र हमारा क्या है, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। चौथा हमारा भारत में है, तो भारत में हमारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। फिर एक दलीय शासन, तो इसमें स्वतंत्र व चुनाव, इसका आंसर हमारा एक दलीय शासन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा तानाशाही व आधारित, ये स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हमारा किसमें होता है, तो ये होता है हमारा लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये आपको खुद को करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एट्थ चैप्टर पर, और एट्थ चैप्टर हमारा क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और ये हमारा इसका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद में हमारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी। तो पहला हमारा कौन सा है, लोकतंत्र किस चुनौती का सामना करती है, तो लोकतंत्र हमारा किस चुनौती का करती है, आधारभूत चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र की मजबूरी यानी उपर्युक्त सभी। सेकंड है हमारा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। तीसरा हमारा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। चौथा हमारा जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा उक्त कथन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, लोकतंत्र से। पांचवा हमारा इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है, तो कौन है, जातिवाद। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे पुराना कौन सा है, अमेरिका। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला क्या है, भारत में लोकतंत्र के संचालन की दो चुनौतियां बताइए, तो इसमें कौन सा है, सामाजिक व आर्थिक असमानता। सेकंड है हमारा राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, तो उत्तरदायी और जिम्मेदारी तथा वैध शासन होने लगे। नेक्स्ट है हमारा चौथा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार व वैध शासन का गठन करता है, तो ये किस तरह करता है, तो व्यक्ति का उसके जायज हक व समान प्राप्ति होने का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर का व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है, तो ये तो हम ऊपर ही देख चुके हैं क्या है, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ कि जो व्यक्ति होता है उसका जायज हक व समान उसे प्राप्त हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सिक्स, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, तो ये हमारी क्या है, जिसमें व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास की सहूलियत दी जाती है।
सातवां है बहुमत का शासन क्या है, तो जिस दल का विधानसभा और लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या चुनी जाएंगी वो हमारी बहुमत शासन कहलाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, तो कौन कौन सी हैं लोकतंत्र की दो विशेषताएं, निर्वाचित प्रतिनिधि और कानून का शासन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ लोकतंत्र मजबूत है, तो इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली जिम्मेदार है, तो ये कौन सी है, लोकतंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी, तो लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना होना, तो जिन लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, निरक्षर। नेक्स्ट है लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में समझाइए, तो ये कौन कौन सुझाव सॉरी लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव, तो ये कौन सा है, लोकतंत्र सुधार। थर्ड हमारा क्या, लोकतंत्र को लोकतंत्र सुधार करने की ताकत देता है, तो कौन देता है, बढ़िया कानून। नेक्स्ट क्या हमारा, भारतीय लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौती है, तो क्या है, जातिवाद की चुनौती। उसके बाद में नेक्स्ट ये हमारा ख़त्म हो गया, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पर, तो इकोनॉमिक्स में हमारा कौन सा है, 6th, 7th, 8th चैप्टर के बाद अर्थशास्त्र, तो इसका हमारा पहला जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, विकास, और इसको भी हम लोग देख लेते हैं विकास को कि इसमें हमारा है क्या। तो इसमें से हमारा एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से कितने आएंगे, तो एक आने वाला है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो जो हमारा सतत विकास है वो किसके अधिक उपयोग पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अक्षय संसाधन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा HDI का मतलब क्या है, तो HDI का मतलब हमारा क्या है, मानव विकास सूचकांक। तीसरा हमारा, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लोकतांत्रिक से। चौथा हमारा, अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास का राष्ट्र हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अलग और साथ ही परस्पर विरोधी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है, तो स्थिर आय ना होने से मौसमी रोजगार बोला जाता है इसे। उसके बाद में खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, तो पहला क्या है, विकास किसके द्वारा होता है, तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। दूसरा है PhD का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सॉरी PDS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तीसरा हमारा, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, UNDP। नेक्स्ट हमारा चौथा, मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार कौन से पड़ोसी देश की आय सबसे अधिक है, तो किसकी है, श्रीलंका की। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा पांचवा, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हमारा, सही तथा गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है, तो ये हमारा इसका क्या है, सही है। दूसरा हमारा, औद्योगिकीकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, तो ये भी हमारा कैसा है, सही है। तीसरा हमारा, BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है, तो ये कैसा हमारा, गलत है। नेक्स्ट हमारा, HDI में तीन घटक होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। लास्ट हमारा, गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी हमारा कैसा है, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ियाँ, तो पहला है हमारा अक्षय संसाधन, तो अक्षय संसाधन हमारा किसको जाएगा, भूजल को मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व विकास रिपोर्ट, तो ये किसको मैच करेगी, विश्व बैंक को मैच करेगी। उसके बाद में तीसरा है हमारा पंजाब के समृद्ध किसान, तो ये जो पंजाब के समृद्ध किसान हैं ये किसको मैच करेंगे, तो ये आएगा सिंचाई के अन्य स्रोतों से उपलब्ध। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, फसल उगाने के लिए केवल वर्षा पर निर्भर रहने वाले किसान, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये जाएगा हमारा उनकी फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य का अवसाधन, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये कि उनकी उच्च फसल अपनी फसल के लिए उच्च समर्थन मूल्य का आश्वासन। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट क्या है, कामकाजी परिवारों की शहरी महिलाएं, तो ये क्या है, अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ये किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। नेक्स्ट है हमारा, GDP का फुल फॉर्म क्या है, तो GDP का फुल फॉर्म क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है हमारा, BMI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, इसका क्या है हमारा, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा चौथा, कोई ऐसा
कारक लिखिए जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। तो किस पर करता है? रोजगार पर। नेक्स्ट है पांचवा हमारा, भूजल विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो भूजल विशेष रूप से हमारा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा पंजाब। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें हमारा क्या क्या है? तो इसमें पहला हमारा सही विकल्प चुनिए, पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित वस्तुएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हमारे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्राथमिक। दूसरा हमारा, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? चीनी या गुड़। नेक्स्ट है उसके बाद में तीसरा हमारा, देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो ये कौन से प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? कृषि। चौथा हमारा, वह क्षेत्र जो मुख्य रूप से के नियंत्रण से बाहर छोटी और बिखरी हुई इकाइयों से विशेषता है सरकार कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र। पांचवा हमारा, परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग व्यापार इसके उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? तृतीयक क्षेत्र के। नेक्स्ट हमारा, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो खाली स्थान में हमारा पहला क्या है? दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, तो ये क्या दिखाता है? जो हमारा GDP होता है ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। नेक्स्ट है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेक्टर के उदाहरण है, तो ये कौन से सेक्टर के उदाहरण है हमारे? तो ये हमारे निजी क्षेत्र के उदाहरण है, तो ये कैसे? निजी कंपनियां हैं। तीसरा हमारा, केवल वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ होता है, तो ये हमारा क्या होता है? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। चौथा हमारा क्या है, सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? प्राथमिक। प्राथमिक सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा पाँचवा, सेक्टर उन उद्यमों को कवर करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? संगठित सेक्टर उन उद्यमों को कवर करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं। उसके बाद में सही या गलत का चिन्ह लगाइए, तो पहला हमारा क्या है इसमें? तो पहले में हमारा लिखा हुआ है, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो ये हमारा सही है। दूसरा है हमारा, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जो काम करने में सक्षम है उन्हें काम की ज़रूरत है, तो ये हमारा दूसरा वाला कैसा हो जाएगा? असत्य। तीसरा हमारा, द्वितीय क्षेत्र के औद्योगिकीकरण क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये हमारा कैसा? सत्य। चौथा है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद है, तो ये हमारा कैसा है? गलत। तीसरा है हमारा, सॉरी लास्ट वाला पांचवा, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती हैं, तो ये भी हमारा कैसा है? असत्य। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी यानी मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा संगठित क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र हमारा किसको मैच करेगा? तो ये आ जाएगा हमारा कार्यस्थल जहाँ रोजगार, ई वाला आ जाएगा, कार्य के स्थल जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं। दूसरा हमारा असंगठित क्षेत्र, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है। तीसरा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। चौथा हमारा निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र के आ जाएंगे जहाँ पे किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। और पाँचवा हमारा तृतीयक क्षेत्र, तो ये कैसा है हमारा? सेवा क्षेत्र। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है हमारा, जैसे तीन क्षेत्रों के उत्पादन के योग को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं GDP। दूसरा हमारा, 1973 से 2003 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये किसने की है? तृतीयक क्षेत्र ने। नेक्स्ट है तीसरा, विकसित देश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है इसका हमारा? तो इसका आ जाएगा हमारा तृतीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग क्या है? केवल मुनाफा कमाना। पांचवा क्या है, मनरेगा का फुल फॉर्म लिखिए, तो मनरेगा का है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा चैप्टर, पैसा और साख, यानी धन और साख, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो इनमें से कौन सा करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के ऋणों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? दो।
नेक्स्ट हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो इनमें से हमारा ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? सहकारी समितियाँ। चौथा हमारा, निम्नलिखित में से कौन संपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ है? तो इनमें से संपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ क्या है? यह उधारकर्ता की एक संपत्ति है जिसका उपयोग ऋणदाता को गारंटी के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का आधुनिक रूप है? तो इनमें से मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? पेपर नोट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा खाली स्थान है, कुछ ऐसा जो लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा। मुद्रा हमारा विनिमय में कार्य करता है। दूसरा हमारा, बैंक ऋणों पर की तुलना से अधिक ब्याज दर वसूलते हैं, तो किससे? जितना जमा की तुलना में अधिक ब्याज वसूलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो किसका उपयोग? पैसे का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चौथा हमारा, किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति या संगठन को क्या जारी करने की अनुमति नहीं है? सिक्के। पांचवा हमारा, उधारी एक व्यक्ति को जाल में धकेलता है, तो उधारी व्यक्ति को एक ऋण के जाल में धकेलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही गलत, तो सही गलत में हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा, अनौपचारिक स्रोतों के ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या है? सत्य है। दूसरा हमारा, आधुनिक मुद्रा सोने चांदी और तांबे जैसी कीमती धातुओं से बनी है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा हमारा, मुद्रा के आधुनिक रूप में चेक और ड्राफ्ट शामिल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। चौथा हमारा, भारत में कोई भी व्यक्ति रुपये में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता है, तो ये सत्य है। और पांचवा हमारा, बैंक जमा स्वीकार करते हैं लेकिन उस पर ब्याज नहीं देते हैं, तो ये हमारा कैसा है? असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियों में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा औपचारिक ऋण, तो जो हमारा औपचारिक ऋण होता है ये हमारा किसको आएगा? तो ये औपचारिक ऋण हमें कौन देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा SBI से ऋण। नेक्स्ट है हमारा, ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है, तो ये कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ब्याज दर। नेक्स्ट हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? RBI को। चौथा हमारा, वित्त का नया तरीका, तो ये क्या है? स्वयं सहाय समूह। नेक्स्ट हमारा, कोई मुद्रा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? तो कोई मुद्रा नहीं होगी तो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इसका हमारा आंसर क्या है? पहले वाला, एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन सामान या सेवाएं आपूर्ति कराता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा, बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग के लिए करता है, तो किसके लिए करता है? ऋण देने के लिए। तीसरा हमारा, लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण देते हैं या लेते हैं, तो कौन अनौपचारिक ऋण लेते हैं? जैसे साहूकार वगैरह। नेक्स्ट हमारा चौथा, भुगतान करने का आदेश एक है, तो ये भुगतान करने का एक आदेश क्या है? चेक है। उसके बाद में पांचवा है, ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंकों का गठन गया, तो ये कौन सा है? RBI। दो दो अंकों वाले क्वेश्चन आपको खुद को करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर पर, तो फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है? तो ये है हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहले इसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा उदारीकरण को। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है, तो इनमें से कौन संदर्भित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जमीन जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा। उसके बाद में तीसरा हमारा, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1991। चौथा हमारा, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए। पांचवा हमारा, वैश्वीकरण को संबंध बनाने वाले मुख्य कारकों में से कौन सा एक है, तो इनमें से कौन सा है हमारा? प्रौद्योगिकीकरण। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा खाली स्थान क्या है इसका, तो इसमें हमारा है नौकरी के अवसरों में वृद्धि का प्रभाव है, तो ये क्या है? वैश्वीकरण।
जैसे जैसे वैश्वीकरण होगा तो नौकरी के अवसर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दूसरा हमारा क्या है, एक कंपनी है जो एक से अधिक देशों और देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय निगम। तीसरा हमारा आयात पर कर का उदाहरण है, तो ये क्या है हमारा, आयात के ऊपर कर होगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यापार में बाधा उत्पन्न करेगा। चौथा हमारा, वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच, तो ये किसकी होती है, एक देश से दूसरे देश में आवाजाही होती है। पांचवा हमारा, देशों की भौगोलिक सीमाओं के पार माल के आदान प्रदान यानी खरीद और बिक्री को संदर्भित करते हैं, तो ये कौन संदर्भित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद में सही एवं गलत, तो पहला है हमारा, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध को समाजातीय के रूप में जाना जाता है, तो ये हमारा कैसा है, तो इसका आंसर आएगा हमारा असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, उद्योगों का विभिन्न भारत में 1991 में शुरू किया गया आर्थिक सुधारों की एक विशेषता है, तो ये हमारा कैसा है, सही। तीसरा हमारा, GNP में वृद्धि उदारीकरण या सकारात्मक प्रभाव है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। चौथा, भारत में गरीब लोग वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं होते, तो ये भी हमारा कैसा है, सही है। नेक्स्ट है पांचवा, भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार देता है, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ, तो इसका पहला हमारा क्या है सही जोड़ी का, कारगिल, ठीक है। तो कारगिल हमारा ये किसको मैच करेगा, पारक फूड को, जो हमारा कारगिल है वो किसको करेगा, पारक फूड। नेक्स्ट हमारा फोर्ड मोटर्स, तो फोर्ड मोटर्स हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा चेन्नई को। नेक्स्ट हमारा, नई आर्थिक नीतियाँ, तो ये कब लागू हुई, 1991 में। नेक्स्ट, उद्योगों और व्यापार को अनुवांशिक प्रतिबंधों से मुक्त कराना, तो ये इसको मुक्त हमारा कौन कराता है, तो ये हमारा हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट, विदेशी निवेशों को प्रेरित करना हमारा क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। उसके बाद में एक शब्द में आंसर दीजिए, तो किसी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छोटी भारतीय कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, यह आएगा कारगिल भोज। नेक्स्ट है हमारा, भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ये कौन सा है, कारगिल भोज। नेक्स्ट है हमारा, कोटा की समाप्ति, तो ये हमारा क्या है, निजीकरण। चौथा हमारा, दूसरे देश से सामान खरीदना, तो दूसरे देश से हमारा सामान खरीदना क्या कहलाता है, आयात। नेक्स्ट हमारा पांचवा, दशकों में भारत में उद्योग कब उभरे, तो कब उभरे, 1950 से 1960 वाले जो दशक थे उसमें सबसे ज़्यादा उभरे। नेक्स्ट है दो अंकों वाले क्वेश्चन, तो आपको करना है पांचवा और लास्ट चैप्टर है ये हमारा सोशल साइंस का, इसमें हमारा बहुत बड़ा ये बन गया है क्योंकि चैप्टर ही हमारे बहुत सारे हैं, तो देखते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर और इसको फटाफट फिनिश करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, कोपरा कानून। दूसरा हमारा, एगमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है, तो एगमार्क किस वस्तु के लिए है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खाद्य पदार्थों का। तीसरा हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया हमारा, तो इसका आंसर है अक्टूबर 2005 में। चौथा हमारा, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है, तो इनमें से हमारा उपभोक्ताओं का अधिकार कौन नहीं है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। पांचवा हमारा, निम्नलिखित में से कौन बाजार में नियमों और विनियमों के माध्यम से सुरक्षित है, तो कौन सा इनमें है, तो आंसर आ जाएगा उपभोक्ता। उसके बाद में खाली स्थान भरो, तो इसका हमारा पहला क्या आ जाएगा, खाली स्थान का, शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता और है, तो कौन सा है, जागरूकता और शिक्षा। दूसरा हमारा, को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसको मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तीसरा हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने मैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1985 में। चौथा है हमारा, राष्ट्र स्तरीय अदालत के बीच के मामले से संबंधित है, तो किसका, 20 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक के मामले में राज्य स्तरीय अदालत के बीच मामले में संबंधित है। पांचवा हमारा, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया और तेज है, तो ये किसमें, सरल और तेज है। नेक्स्ट है उसके बाद में सही और गलत, तो पहला है हमारा, होलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को बनाए रखने वाला प्रमाणक चिन्ह है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है। दूसरा हमारा, जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तीसरा हमारा, कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है, तो ये गलत है। चौथा हमारा, भारत दुनिया के उन कई देशों में से एक है जहां उपभोक्ता निवारण के लिए विशेष अदालतें हैं, तो ये सही है।
पांचवा, हमारा एक उपभोक्ता को क्षति की मात्रा के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो पहले का हमारा क्या है ISI, तो ISI हमारा क्या है, तो ये प्रमाणक का एक चिन्ह है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रमाणक का एक चिन्ह। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा RTI, तो RTI हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सूचना का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, स्कूटर में खराब इंजन के कारण दुर्घटना, तो ये हमारा किसका है, सुरक्षा का अधिकार है। उसके बाद में नेक्स्ट है जिला उपभोक्ता न्यायालय, तो जिला उपभोक्ता न्यायालय ये हमारा किसको मैच करेगा, तो उपभोक्ता मामलों का निपटान। फिर उसके बाद में भारतीय मानक ब्यूरो, तो भारतीय मानक ब्यूरो हमारा किसको मैच करेगा, तो ये आ जाएगा हमारा एजेंसियां जो वस्तुओं के मानकों को मिटाती हैं, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ये हमारा पूरा हो गया। जो IFI है वो हमारा किसको मैच करता है, प्रमाणक चिन्ह को, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्टिफाई मार्क्स। पहला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका उत्पाद पर आधारित खुरदरा मूल्य क्यों लिखा होता है, तो इसका क्यों आएगा, उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए। दूसरा, आखिरी चीज़ें क्या हैं, तो आखिरी चीज़ें हमारा क्या है, एक वस्तु जिसका उपयोग उपभोक्ता वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। तीसरा हमारा क्या है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के संगठित रूप में कब जन्म लिया, तो इसने कब लिया, 1960 में। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, कोपरा। नेक्स्ट है हमारा, एक उच्च शिक्षा आवश्यक उत्पाद लिखें, तो ये कौन सा हमारा, चिकित्सा। उसके बाद में ये दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट इसके नीचे हमारी उत्तरमाला है, ये PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि ऐसी वीडियो हम आपको और भी देते रहें। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।